हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर इम्तियाज। आई एम स्पेशल क्राइम नेट केयर। आज हम फर्स्ट एड की जो बात करेंगे, डायसेंट्री में बात करेंगे। डायसेंट्री कितने टाइप की, आज की जो टॉपिक हमारी बात है, कितने टाइप की डायसेंट्री है, उसमें शेगिला डायसेंट्री की कौन सी निशानियां होती हैं, और शेगिला की डायसेंट्री में फर्स्ट एड का हम क्या रोल देंगे, और अमीबिक डायसेंट्री में कौन सी निशानियां होती हैं, और अमीबिक डायसेंट्री में हम फर्स्ट एड क्या रोल अदा करेंगे, इसकी डिटेल हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कितने टाइप्स की डायसेंट्री होती है। देखिए, दो किस्म की डायसेंट्री होती है, एक शेगिला होती है, एक अमेबिक डिसेंट्री। शेगिला डायसेंट्री होती है, एक काज होता है, और दूसरा अमेबिक। दोनों का जो काज जो होता है बैक्टीरिया होता है, लेकिन टू टाइप्स होती है। अब शैगिला में हमें किस तरह पता चलेगा ये शैगिला है या अमीबिक डिसेंट्री है। शैगिला में क्या होता है, डायरिया होता है विथ उसमें क्रेजो, जिसे वक्र पड़ना और मोशन के साथ फीवर होना, नाजिया एंड वोमिटिंग होता, और इसकी खास दो निशानियां होती हैं। एक तो फीवर होता है, दूसरा इसका ब्लड आता है म्यूकस इन द डायरिया। जब स्टूल में आता है तो उसमें म्यूकस भी साथ ब्लड आता है इसको, और हाईग्रेड फीवर हो तो ये हम इसको शैगिला डायसेंट्री कहते हैं। इसकी ये निशानियां खास है, जिसमें ब्लड भी आता है और साथ में इसको फीवर भी होता है, और जैसे बार बार वॉशरूम जाता है तो उसको ग्रेन से वक्र पड़ना, वो चीजें और बाटियां उठ पड़ना, ये शैगिला की है। शैगिला डायसेंट्री की हम फर्स्ट एड कैसे देंगे। नंबर पहले तो इसमें जब मैंने बताया कि इसमें टेम्परेचर भी होता है, इसमें ब्लड भी आता है, इसी में क्या हमें एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ती है, जैसे सेप्रोफ्लाक्सिन फार्मूले में जो है एंटीबायोटिक बेस्ट रिजल्ट मिलती है। सेप्रोफ्लाक्सिन में एंटो टेबलेट में जो है हम जो है एंटामिजल डीएस टेबलेट की बेस्ट होती है, और क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है, और साथ में क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक भी होगी और एंटी डायरियल भी, दोनों चीजें आ जाती हैं शैगिला में। और दूसरा इसमें जो है, क्योंकि बार बार वॉशरूम जाने की वजह से बॉडी में और टेम्परेचर की वजह से पर्सनल फोर्ड भी टेबलेट साथ में इस्तेमाल की जाएगी, जिससे उसका पेन भी कम हो जाएगा और साथ में टेम्परेचर पे होगा, और साथ में इसको SOS ORS का ORS की जरूरत पाए तो वो हमें SOS में, SOS का मतलब है जब जरूरत पड़े तो हमें उसमें यूज कर सकते हैं। इसमें होते क्योंकि इसमें बार बार वॉशरूम जाते हैं, लेकिन उसमें म्यूकस ब्लेंड बार होता है, लेकिन इसमें वो चीज होती है, तो इसीलिए इसको ज्यादा जो है ये चीज की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन एंटीबायोटिक देना। चलिए अमीबिक डायसेंट्री देखिए। अमीबिक डायसेंट्री के सिम्टम क्या होते हैं, वो सेम इसमें मोशन होते हैं, ग्रेम्स वक्र पड़ते हैं, नाजिया वोमिटिंग होता है, म्यूकस एंड डायरिया ये होता है, लेकिन इसमें दो चीजें नहीं होती, एक तो फीवर नहीं होता, एक ब्लड नहीं आता उसमें, और इसमें सिर्फ फर्क इतना होता है कि बंदा बार बार जाता है, वापस आ जाता है वॉशरूम में, लेकिन उसको इसमें ब्लड आई टेम्परेचर हो तो शैगिला हो, अमीबिक में ये दोनों चीजें नहीं होती। अमीबिक डायसेंट्री की फर्स्ट एड हम कैसे देंगे, इसमें भी हम बेस्ट जो इस्तेमाल की जाती है वाइब्रोमाइसिन। वाइब्रोमाइसिन में एंटीबायोटिक में होता है जो बहुत बेस्ट इसकी जो रूट के लिए फेवरेट बाई जाती है, इसमें आंतों के लिए क्योंकि आंतों में प्रॉब्लम आता है, जिसमें ये इसका जो फार्मूला है डॉक्सीसाइक्लिन एथिलेट जो है ये इसका फार्मूला है, जिसमें हम जब भी 10 बार पहले बता चुका हूँ कि जब भी मेडिसिन देख रहे हैं उसका नाम के साथ फार्मूला, क्यों नाम चेंज होते रहते हैं लेकिन फार्मूला सेम रहता है। और एंटामिजल डीएस ये टेबलेट हम साथ में इसमें यूज कर सकते हैं, इसके ये दो फार्मूले आते हैं एंटामिजल का ही, इसका डीएस का, ये दोनों साथ हम इसको दे सकते हैं, और साथ में इसको ये दर्द बुखार के लिए, मतलब जो बार बार जाने के लिए बॉडी में जितना बंदा बैठता है जिससे पेन बॉडी में होता है, तो पेन को रिलीफ करने के लिए ही देते हैं, और साथ में वो ORS देते हैं, ये हम अमीबिक डायसेंट्री में। और साथ में इसका जो खाना, जो हम खाना दोनों का जो शैगिला और अमीबिक में जो खाना करेंगे वो सॉफ्ट, और जो है खाना जो है बिल्कुल उसको सॉफ्ट यूज करना, जैसे चावल हो गया, डबल रोटी, खिचड़ी, इस तरफ की जो है ना सॉफ्ट चीज़ें देनी यूज करनी चाहिए, तो इससे बहुत अच्छा होता है।